हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, ट्रक या ट्रैक्टर में जो सैंड आती है उसका वॉल्यूम कैसे निकाले, कैसे पता करें कि कोई ट्रक या फिर ट्रैक्टर में जो जो सैंड है या फिर बालू है या फिर रेत हम बोलते हैं वो कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। और दोस्तों उसी के साथ दोस्तों उसका कोस्टिंग कैसे निकाले, आज की वीडियो में मैं ये सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी ट्रैक्टर होता है उसके अंदर अगर सैंड फील है तो उस सैंड का वॉल्यूम क्या होगा वो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप इस तरह का कुछ हमारा जो है ट्रैक्टर या ट्रॉली या फिर जो ट्रक होता है वो इस तरह से कुछ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जनरली देखिए अगर कोई भी ट्रैक्टर है, ठीक है, अगर ट्रैक्टर है या फिर ट्रक है तो उसके अंदर ये जो होगी वो उसकी लंबाई या फिर लेंथ, ये जो होगी उसकी लेंथ या चौड़ाई और ये जो होगी उसकी डेप्थ होगी। तो जनरली दोस्तों मार्केट में जो हम यूज़ करते हैं वो है टाटा का जो 8 व्हील ट्रक जो होता है ये, राइट, ये हैवी लोड जो बेयर कर सकता है, ठीक है, कैरी कर सकता है, तो ये जनरली यूज़ होता है। उसकी साइज़ करीबन 19 फीट बाय 7 फीट बाय 6 फीट की होती है, राइट दोस्तों, ये एक यूज़ होता है। और ये जो आइसर होता है टाटा का जो करीबन वो 20 फीट बाय 8 फीट 3 इंच बाय 7 फीट 2 इंच का दोस्तों यहाँ पे ये आइसर यूज़ होता है। तो इन दोनों में के अंदर अगर सैंड आती है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है ये जो अगर इसमें अगर सैंड आती है टाटा का जो है ये बड़ा हैवी वेट हैवी लोड कैरी करने वाला जो ट्रक है, राइट, उसके उसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो सैंड का वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और गहराई मतलब लेंथ वीट और डेप्थ तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर आप मेज़र करेंगे तो ये क्या होगा उसकी ये हो जाएगी उसकी लेंथ यानी लंबाई, ये जो होगी उसकी चौड़ाई मतलब विड्थ हो जाएगी और ये जो होगी उसकी हाइट होगी। तो इस तीन मेजरमेंट को आपको मेज़र कर लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड मतलब बालू जो आपका आएगा करीबन 19 फीट बाय 7 फीट बाय 6 फीट, ठीक है, ये तीनों आ गए। देखिए उसकी लेंथ 19 फीट, विड्थ 7 फीट और हाइट कितनी है 6 फीट। तो दोस्तों ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो सैंड का वॉल्यूम जो बन जाएगा वो करीबन हो जाएगा हमारा 798 क्यूबिक फीट मतलब घन फीट जो है हमारा क्या हो जाएगा जो हमारी जो सैंड है, ठीक है, उस रेत है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये क्यूबिक फीट मतलब घन फुट में आया। हमें ब्रास में अगर निकालना हो तो सिंपली आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड इन ब्रास अगर निकालना है तो 798 डिवाइडेड बाय 100 करना, क्योंकि 100 जो स्क्वायर फीट या फिर क्यूबिक फीट बराबर क्या होता है एक ब्रास होता है। तो हम क्या करेंगे 798 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारा 7.98 ब्रास जो है दोस्तों, ये अगर बड़ा वाला जो अगर आपका ट्रैक्टर है डंपर है वो अगर होगा तो इसके अंदर करीबन 7.98 ब्रास या फिर 798 क्यूबिक फीट घन फीट हमारा क्या जाओगी सैंड होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कोस्ट ऑफ बालू मतलब रेत का जो कोस्ट है वो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेट ऑफ सैंड पर क्यूबिक फीट मतलब घन फीट मतलब मार्केट में जो है दोस्तों सैंड का रेट क्या चल रहा है क्यूबिक फीट या फिर ब्रास भी आप निकाल सकते हैं। तो यह मार्केट में जनरली 65 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट का जो है जो हमारा सैंड या बालू का रेट चलता होगा। तो हम कोस्ट ऑफ सैंड बालू कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड मतलब जो हमारा आया करीबन 798 क्यूबिक फीट मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 65 पर क्यूबिक फीट। अगर रेट हमारा रुपीज़ पर ब्रास में हो तो हमें ब्रास लेना पड़ेगा, यहाँ पर रेट हमारा क्यूबिक फीट में है तो हम यहाँ पे क्यूबिक फीट रेट लेंगे। तो कोस्ट ऑफ सैंड 798, वॉल्यूम ऑफ सैंड आया था क्यूबिक फीट में और यहाँ पे क्यूबिक फीट रेट है कितना है 65, तो हमारा कोस्ट ऑफ सैंड कितना आ गया 51,870 रुपीज़, राइट दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया कोस्ट ऑफ सैंड आ गया। दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है जो सैंड है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब दोस्तों ये टाटा जो आइसर है जिसकी साइज़ 20 फीट बाय 8 फीट 3 इंच 7 फीट 2 इंच है उसका वॉल्यूम आप निकाल के मुझे कमेंट कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सैंड आपकी कितनी आती है और कोस्ट ऑफ सैंड कितना आता है। कोस्ट रेट ऑफ सैंड हमें 65 ही लेना है, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सैंड चेंज होगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं राइट आंसर हमको बताऊँगा कि ये जो आप ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, राइट दोस्तों। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रक या ट्रॉली के अंदर जो है सैंड आई है उसका वॉल्यूम और उसका कोस्ट हम
निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट।